वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर्स। तो इन चिलर्स के अंदर कई सारे इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इस चिलर की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। और इन चिलर्स की जो एनर्जी एफिशिएंसी है या पावर कंजप्शन है उसको कम ज़्यादा करने के लिए कुछ इस तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप इकोनोमाइजर, सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं। इकोनोमाइजर का मतलब होता है कोई एक ऐसी डिवाइस जो जिस सिस्टम में भी लगाई जाती है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाए और पावर कंजप्शन को कम करे। सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चिलर के अंदर इसका जो पर्पस है या इसको लगाने का जो पर्पस है वो सबकूलिंग इंक्रीज करने के लिए इस डिवाइस को इस चिलर के अंदर लगाया गया है। तो इसके जो वर्किंग पर्पस के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर। और मेनली जो बेसिक जो इसका पैटर्न है या जो इसका स्ट्रक्चर है उस हिसाब से इसको आप कहते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के अंदर आपका कुछ इस तरीके के शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर देखने को मिलते हैं, कॉइल टाइप के हीट एक्सचेंजर आपको देखने को मिलते हैं, और उसी कैटेगरी में एक और ये हीट एक्सचेंजर आता है जिसको आप प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं। तो यहाँ पर हम जितना भी कन्फ्यूजन था इसके टर्म्स को लेकर या नाम को लेकर मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आगे चल के जितना भी इसका पार्ट है, चाहे वो इसका वर्किंग सिस्टम है या जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो किस तरीके की है, कनेक्शंस देखेंगे इवेपोरेटर, कंडेंसर और कंप्रेसर के साथ किस तरीके से होते हैं, इसके अंदर कितने TXV वाल या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल लगे हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। तो इकोनोमाइजर या सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड जितना भी पार्ट है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि प्लेट हीट एक्सचेंजर किस तरीके का होता है, बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप जाके जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पता लग पाए कि प्लेट हीट एक्सचेंजर किस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इतना जितना भी ये इंसुलेशन लगा है इसके अंदर कई सारी प्लेट्स होती हैं, बहुत पतली पतली प्लेट्स होती हैं जिनके अंदर दो अलग अलग टेम्परेचर के दो फ्लूइड्स सेपरेट रन करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग रन करते हैं। और वो जो होते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं उनका टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से वो आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि सिमिलर आपका ये जो शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर हो चाहे वो इवेपोरेटर हो, इनमें भी ऐसा ही होता है क्योंकि इनके अंदर भी आपका एक साइड पर रेफ्रिजरेंट और एक साइड पर वाटर रहता है। सेम कंडेंसर में भी ऐसा होता है और वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं और उससे क्या होता है कूलिंग जनरेट करी जाती है। तो सेम इसमें भी यही होता है, बट इसमें दोनों साइड पे आपका रेफ्रिजरेंट रहता है, एक लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होता है। तो चलिए एक एक करके इसके जितने भी कनेक्शंस हैं वो समझ लेते हैं। तो ये है इसका फ्रंट साइड का पोर्शन जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसमें होते हैं चार पोर्ट, बेसिकली इसमें चार पोर्ट होते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट ये आपका एक ये दो, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक ये है और एक ये, तो चार पोर्ट होते हैं जहाँ पर से आपके जो रेफ्रिजरेंट है वो इंटर और एग्जिट करता है। और इस पार्ट के साथ या इस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कह लीजिए या हीट एक्सचेंजर कह लीजिए, इसके साथ आपके कंडेंसर और इवेपोरेटर कंप्रेशर भी कनेक्ट रहते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पाएं ये आपका कंप्रेशर है और इस कंप्रेशर के साथ ये आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो कनेक्ट रहता है। अब मैं आप कनेक्शन दिखा देता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट कनेक्शन यहाँ पर आप कंप्रेशर का देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कनेक्ट है, ये इसका कंप्रेशन चैम्बर है, आप यहाँ सेनेलॉइड वॉल्स भी देख सकते हैं। तो ये इसका कंप्रेशन चैम्बर है जहाँ पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होती है। तो ये पार्ट आपका ऊपर कनेक्ट है, अगर आप देख पाएं एरो जहाँ पर बना है, अभी मैं आपको और अच्छे से दिखा दूंगा, ये वाला पार्ट ये आपका कंप्रेशर से कनेक्ट है, ये आपका कंडेंसर है, और इस कंडेंसर से होते हुए जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम लाइन है या प्राइमरी लाइन है, जो लिक्विड इंटर करेगा सबसे पहले वो इस लाइन के थ्रू जाता है, तो ये सबसे मेन है। तो यहाँ पर से ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये एरो बना हुआ है, इस पर यहाँ से होते हुए ये आपका स्ट्रेनर है, ये स्ट्रेनर है और ये एरो आप देख पा रहे होंगे, इस स्ट्रेनर के थ्रू यहाँ पर एक साइड ग्लास है जहाँ से आप रेफ्रिजरेंट को देख पाएंगे, और यहाँ से होते हुए ये जो वाला जो पोर्ट है यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट इंटर करता है, इस पोर्ट से आपका रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा। तो ऊपर की बात होगी, ऊपर दो मैंने जो कनेक्शन दिखाई, एक ये कंप्रेशर के लिए है और ये आपका एक ये कंप्रेशर और ये कंडेंसर से आने वाला पाइप है आपका। तो यहाँ से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, आपको पता है कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो लिक्विड फॉर्म में आता है, क्योंकि कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट वाटर को ट्रांसफर करने के बाद लिक्विड फेज में कन्वर्ट होके इस लिक्विड लाइन से होते हुए आएगा इस आपके हीट एक्सचेंजर के अंदर, हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट एक्सचेंज करेगा। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये दो नीचे की लाइन, ये पाइप्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए।
तो यहाँ पर आपको ये जो पोर्ट दिख रहा है, ये यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट एग्जिट होता है, ऊपर वाले कंडेंसर से इंटर होता है और यहाँ से एग्जिट होता है। अगर मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है हीट एक्सचेंजर अगर नहीं होता, तो आपका ये वाला जो पार्ट है डायरेक्ट इस कंडेंसर की लाइन से कनेक्ट होता और आपका रेफ्रिजरेंट इस तरीके से यहाँ से होते हुए, अगर हीट एक्सचेंजर नहीं होता तो जो नॉर्मल जो चिलर्स होते हैं जिनमें आपको इस तरीके की हीट एक्सचेंजर नहीं देखने को मिलते हैं, उसमें आपको ये वाला पाइप डायरेक्ट इस पाइप से जुड़ा हुआ मिलता और वो जाता सीधे आपके इवेपोरेटर की तरफ। तो यहाँ पर जो पार्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर ये वाले पोर्शन से दो पाइप डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, एक पाइप ये है, यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल है ये, और एक पाइप इसी में से डिवाइड होकर, अगर आप देख पाए यहाँ पर, ये वाला जो पाइप है इसी पाइप से डिवाइड होकर, जिसको आप सेकेंडरी फ्लो कह सकते हैं रेफ्रिजरेंट का। तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल से होते हुए आगे जाएगा इवेपोरेटर की तरफ, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वापस से घूम के ये जाएगा आपके वापस से इस हीट एक्सचेंजर के अंदर, और इसमें लगा रहता है आपका एक एक्सपेंशन वाल, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, जो कि प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो जो सेकंड रेफ्रिजरेंट कह लीजिए इस हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगा वो ये है। पहला वाला आपका इस कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलेगा, सेकंड यहाँ से घूम के वापस। तो आपको पता है इसके अंदर आपको दो फ्लूड्स की ज़रूरत होती है, एक का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो वो जो टेम्परेचर कम होगा वो इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट का होगा, और वो क्या करेगा, अपनी हीट को इस वाले पोर्शन को दे देता है। इस वाले पोर्शन से होते हुए वापस से रेफ्रिजरेंट घूम के भी जाता है, और यहाँ से होते हुए जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल दिखाया, वहाँ से होते हुए, अगर ये पाइप अगर देख पा रहे हो आप, ये वाले पोर्ट से होते हुए आपका इस वाले इवेपोरेटर में जाता है। ये इवेपोरेटर है आपका सामने, ये वाला पार्ट इवेपोरेटर है, ये वाला पाइप अगर देख पा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल से कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार और मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इससे एंटर करता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी फ्लूड होगा वो यहाँ से एंटर करता है अंदर की तरफ। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं और अपना हीट एक्सचेंज करते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक इस वाले पार्ट से, ठीक है। और इस वाले पार्ट का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो काफ़ी ठंडा होता है इस वाले के मुकाबले। तो ये अपना जो हीट है या ठंडक है वो यहाँ पहुँचा देता है, और यहाँ से निकलने के बाद वो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल से होते हुए इस इवेपोरेटर के अंदर, और इस वाले जो पोर्ट से या पाइप से जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो ठंडा तो होता है, बट जब वो अपनी हीट दे देता है तो वो गर्म होके निकलता है आपके इस वाले पोर्ट से, ये कंप्रेसर वाला पार्ट है। और वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, क्योंकि जो लिक्विड है इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए नहीं बना होता है कंप्रेसर। तो ये इससे जो रेफ्रिजरेंट जाएगा वो इस लाइन के थ्रू, ये आप सामने लाइन देख पा रहे हैं, इस लाइन के थ्रू पहुंचेगा इस कंप्रेसर के अंदर, और वो पहुंचेगा वेपर फॉर्म में। तो कंप्रेसर के अंदर एक तो आपका जो सक्शन लाइन होता है उससे भी गैस इंटर करती है, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये कंडेंसर की तरफ, सॉरी, ये जाने वाली है, डिस्चार्ज है, और ये है आपका इंटर का पॉइंट। यहाँ से ये इवेपोरेटर कनेक्ट है, और यहाँ से आपका सक्शन लाइन जो कह सकते हैं आप, जहाँ से इंटर करेगी, और एक पोर्ट ये है। तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो ठंडा होता है इस वाले सक्शन रेफ्रिजरेंट के मुकाबले में, जो वेपर फॉर्म में यहाँ से जाएगी उसके मुकाबले में ये रेफ्रिजरेंट थोड़ा ठंडा होता है, जिसके वजह से जो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, या इसके अंदर थोड़ी सी कूलिंग हो जाती है, जिससे कि ये अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो कंप्रेशर है वो अच्छे से कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, और जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इससे एनर्जी कंजशन कम होगा, इस चिलर की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सेम उसी तरीके से जो इवेपोरेटर है उसमें भी होता है, क्योंकि जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वो सबकूल्ड हो चुका होता है। सबकूल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर वो नॉर्मल जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे काफ़ी टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है, जिसके वजह से एक तो वो सैचुरेटेड कंडीशन में जाता है, लिक्विड से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में जाएगा, और उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होने के वजह से क्या होगा, जो पानी है वो काफ़ी कम रेफ्रिजरेंट में ही काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे कि इसकी भी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, इस इवेपोरेटर की कंप्रेशर की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, पावर कंजप्शन कम होता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट होता है अगर उसका प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल जो हर एक पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो चाहे कंप्रेशर हो चाहे वो कंडेंसर हो, अगर डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंडेंसर को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऊपर जो कूलिंग टावर है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा,
तो इस पार्ट को लगाने के बाद जो पूरी ओवरऑल जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाती है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, जो चिलर की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसमें एक सेनोलॉइड वॉल्व भी लगा रहता है, अगर आपको मैं दिखाऊं। और ये जो थर्मोस्टेटिक वॉल्व है, इसका जो कैपिलरी ट्यूब ये टूट चुका है वैसे, यहाँ पर ये कनेक्ट रहता है इस वाले पार्ट से, कंप्रेशर वाले पार्ट से। तो यहाँ पर जितना भी बेसिक है आई थिंक वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो इंटर करता है वो ये वाला पोर्ट है, मेन जो पोर्ट है, उसके बाद ये सेकेंडरी, उसी में से डिवाइड किया गया है, इसी पार्ट में से डिवाइड करके यहाँ भेजा गया है। और जो मेन है, मेन स्ट्रीम, जहाँ से आपका सब कुल लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व से होता हुआ इवेपोरेटर में जाएगा। और जो सेकेंड यहीं से डिवाइड किया गया है वो वापस से जाएगा इसके अंदर। जो ठंडा होता है वो ये होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का ये होता है, ये अपनी कूल जो जितना भी ठंडक है वो इस वाले रेफ्रिजरेंट को देती है और वो इवेपोरेटर की तरफ चले जाता है। कंप्रेशर वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये रहा वो सेनोलॉइड वॉल्व, और ये आ रहा है आपके आगे की तरफ से, यहाँ पर से सही से दिख नहीं पा रहा है, बट ये कनेक्शन है एक यहाँ पर कंप्रेशर वाले पार्ट पे, और एक कनेक्शन आपका यहाँ पर दो कनेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपका इकोनोमाइजर वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।